है बच्चों, wait और await, ये इंग्लिश ग्रामर में आपने बहुत बार पढ़ा है, but still you are confused between them. तो आज की वीडियो में मैं यही डिफरेंस आपको क्लियर करूंगी. दोनों का मीनिंग होता है इंतजार करना. तो जनरली बोलचाल की भाषा में हम वेट वर्ड का यूज करते हैं, अवेट वर्ड हम यूज नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि हमारे टन पर सिर्फ वेट वर्ड बैठा हुआ है, जिसका मतलब हम अच्छे से जानते हैं इंतजार करना. और ये अवेट तो हम सिर्फ बुकों में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश स्पोकन में तो कभी यूज ही नहीं किया. तो आइए देखते हैं इनमें क्या फर्क है. तो बच्चों एक फर्क तो इसमें ये है कि ये जो अवेट वर्ड है ना, ये बहुत ही फॉर्मल वर्ड होता है जो आप फॉर्मल मैनर्स में यूज करते हैं, और ये वेट वर्ड जनरल वे में आप यूज करते हैं. जैसे कि मैंने बताया, आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे ही यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि ये जनरल वर्ड है. एंड अवेट इज अ फॉर्मल वर्ड, तो ये जनरली आप सिर्फ बुक्स में ही पढ़ते हैं. तो ये तो था एक बहुत ही छोटा डिफरेंस. अब मैं आपको इसे डिटेल में समझाती हूँ. वेट मीनिंग इज इंतजार करना, बिल्कुल सही मीनिंग है. और एक और मीनिंग होता है रुको या फिर रुकना, ठीक है. ज्यादातर आप इस वर्ड को बहुत बोलते होंगे वेट अ मिनट, यानी कि एक मिनट रुको यार, चल ना जल्दी, नहीं तो कैंटीन में समोसे खत्म हो जाएंगे. वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मुझे पैसे ले दे दो, यानी कि जरा रुको, मैं जरा पैसे ले लूं तभी तो जाएंगे समोसे लेने, ठीक है. तो यहाँ पर वेट का मतलब क्या हो गया? रुकना. वेट, आई एम कमिंग मींस जरा रुको, मैं आ रहा हूँ, ठीक है. अब मैंने बोला कुड यू वेट फॉर 2 मिनट्स, क्या तुम 2 मिनट के लिए रुकोगे. तो सिंपली हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया कि वेट का मीनिंग रुकना भी होता है. अब इंतजार करना, जैसे मैंने बोला आई वॉज वेटिंग फॉर यू यस्टरडे फॉर द डिनर, यानी कि कल मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी डिनर के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे हम सिंपली समझ पा रहे हैं वेट का मतलब है इंतजार करना. आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ. सो आई होप दिस वेट इज क्लियर फॉर यू. नाउ कम टू दिस अवेट. सो हियर इसका मीनिंग भी है सेम, इंतजार करना. बट किसका इंतजार करना और किस फॉर्म में इंतजार करना? तो यहाँ पे हम अवेट का मीनिंग समझेंगे एक्सपेक्ट करना. किसी चीज, किसी से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी किसी से कुछ आशा है जो वो आपके लिए पूरी करे, तो आप उस चीज का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, राइट. वेटिंग फॉर समथिंग टू बी हैपेंड, यानी कि जो होने वाला है आप उसका, आप उस इवेंट का होने का इंतजार कर रहे हैं. अब मैंने कहा आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई, इट मीन्स मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार कर रही हूँ. अब रिप्लाई कितनी देर में आएगा, यू डोंट नो, और आएगा भी या नहीं इसकी भी श्योरिटी नहीं है. सो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेट इज फॉर द शॉर्ट टाइम वेट एंड दिस अवेट इज फॉर द लॉन्ग टाइम वेट. अब एक डिफरेंस और देखेंगे हम कि इस वेट के साथ आप इस फॉर का यूज करते हैं और कर सकते हैं, बट इस अवेट के साथ आप कभी भी फॉर का यूज नहीं करेंगे. जैसे मैंने लिखा आई एम वेटिंग फॉर माई ग्रेजुएशन रिजल्ट, तो मैंने यहाँ पे वेटिंग लगाया है और उसके साथ फॉर भी, क्योंकि इसी तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा. आई एम वेटिंग फॉर माई ग्रेजुएशन रिजल्ट, मैं अपने ग्रेजुएशन रिजल्ट का वेट कर रही हूँ. अब सेम सेंटेंस को अगर मैं अवेट के साथ लिखूं तो मैं लिखूंगी आई एम अवेटिंग माई ग्रेजुएशन रिजल्ट. अवेटिंग, आपने देखा मैंने यहाँ फॉर नहीं लगाया, तो मीनिंग इसका भी वही है, मैं अपने ग्रेजुएशन रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ. आई एम अवेटिंग माई ग्रेजुएशन रिजल्ट. ओके, तो जब भी आप अवेट वर्ड का यूज करेंगे कभी भी उसके साथ फॉर नहीं आएगा, बट अगर आप वेट यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप फॉर लगा सकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर द डिनर, यानी कि मैं डिनर का इंतजार कर रही हूँ. अब अवेट के साथ मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगी आई एम अवेटिंग डिनर, यानी कि मैं खाने का इंतजार कर रही हूँ. तो यहाँ पर एक छोटा सा ये ग्रामेटिकल डिफरेंस है वेट एंड अवेट में. सो आई होप आपको मीनिंग क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा. सो गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब इट नाउ, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर विजिट करिएगा, वहां पे मैंने और भी डिफरेंसेस के वीडियोस रेडी कर रखे हैं. बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स क्लियर ना होने पर हम एग्जाम में गलत आंसर टिक करके आते हैं. सो डू चेक आउट माय प्लेलिस्ट
and follow me on Instagram and Facebook. All links available in description box. And चारों टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं बिकॉज मेरे चैनल पर इन सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आते हैं. Now see you in the next one. Take care. Bye bye.